सिक्के की कीमत 3 करोड़ रुपए है। आज का वायरल एक सीट कवर बेचने वाले शख्स का है जो एक ही झटके में करोड़पति बन गया। तो ऐसा क्या था इस सिक्के में जो उसे अनमोल बना रहा है, और क्या है इस सिक्के का रहस्य? इस सिक्के के बारे में कई दावे किए जा रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि ये सिक्का 1400 साल पुराना है, तो कोई ये कह रहा है कि ये सिक्का सन 1450 का है। एक सामान बेचने वाली वेबसाइट के मुताबिक इस सिक्के की कीमत 3 करोड़ है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने न्यूज रिपोर्ट में बिल्कुल ही सही सुना और सही देखा। अगर आपके पास में कुछ ऐसे पुराने नोट या फिर यहाँ जो आप ये अलग अलग सिक्के और नोट देख रहे हैं, ऐसे आपके पास में कॉइन्स एंड नोट हैं जिन्हें आप बेचना चाहते हैं, तो ये वीडियो पूरा आप लोग ध्यान से देखें। इस वीडियो में आपको अभी अलग अलग सिक्के और नोट बताऊंगा और साथ में उनकी प्राइस भी बताऊंगा कि इनकी हम लोग आपको कितनी कीमत देंगे। अगर आप एग्जीबिशन में बेचना चाहते हैं तो एग्जीबिशन में आपको इनकी कितनी कीमत मिलेगी पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप लोगों के YouTube हो गया या फिर अदर कोई भी सोशल मीडिया पर कई रिसर्च करने के बाद अभी तक आपके नोट और सिक्के नहीं बिके हैं, तो ये वीडियो आप पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ध्यान से देखना। इस वीडियो में आपको अभी अलग अलग सिक्के और नोट भी बताऊंगा और साथ में उनकी मैं आपको कीमत भी बताऊंगा कि यहाँ पर आपको इनकी कितनी कीमत मिलेगी। अगर आप घर बैठे बेचना चाहते हैं तो घर बैठे आपको कैसे बेचना होगा, या फिर एग्जीबिशन में बेचना चाहते हैं तो भारत में अभी इसी महीने अलग अलग शहरों में कॉइन एग्जीबिशन चल रहे हैं, ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन लगे हुए हैं, उनका मैं आपको एड्रेस बताऊंगा। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो आप पूरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तभी हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। अगर आपके पास में ऐसा ट्रैक्टर वाला नोट मिल जाता है, इसमें जो आप ये सीरियल नंबर देख रहे हैं, सीरियल नंबर में फैंसी नंबर है। अगर आपके पास में ऐसा नोट है सीरियल नंबर में 7786 नंबर है, या फिर यहाँ जो आप ये 786 सीरियल नंबर नोट देख रहे हैं, ऐसा आपके पास में लास्ट में 786 सीरियल नंबर है, या फिर सीरियल नंबर में पहले 00 है बाद में 786 सीरियल नंबर है, ऐसा आपके पास में नोट मिल जाता है, तो ये नोट रेयर है। इसकी वैल्यू सच में आपको 4 लाख रुपए मिलेगी। आपके पास में ऐसा नोट है तो ये नोट आपको अभी हाथों हाथ हमारे को भेजना है। अभी मैं आपको जो ओल्ड कॉइन्स वायर के नंबर दे रहा हूँ, ये नोट अगर आपके पास में ऐसे ट्रैक्टर वाले नोट मिल जाते हैं, चाहे ऐसा गांधी सीरीज वाला नोट है या फिर यहाँ जो आप अशोक स्तंभ की फोटो वाला नोट देख रहे हैं, ऐसा आपके पास में नोट मिल जाता है, तो मैं जो ओल्ड कॉइन्स वायर संदीप जी हैं, संदीप जी कोई ऐसे है जो नोट कलेक्शन में चाहिए, संदीप जी को आपको ऐसे आपके पास में नोट है तो आपको भेजने है, इस बात का ध्यान रखना है। मैं आपको जो संदीप जी के नंबर दे रहा हूँ उन्हें आपको ऐसे आपके पास में ट्रैक्टर वाले नोट है तो भेजना है। बाकी इसके अलावा अगर आपके पास में और भी ऐसे 1 रुपए वाले नोट मिल जाते हैं, या फिर अगर आपके पास में यहाँ जो आप ये कॉइन्स देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाला ऐसा कॉइन्स मिल जाता है, या फिर यहाँ जो आप ये 1 रुपए वाला कॉइन्स देख रहे हैं, ये 1 रुपीज के कॉइन में सबसे ज्यादा रेयर कॉइन है। अगर आप एग्जीबिशन में ऐसे चिल्लर कॉइन लेकर जाओगे तो कभी आपके नहीं बिकेंगे, मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ। आप अपना कीमती टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप अपनी करेंसी बेचना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको ध्यान से देखना होगा। बाकी अगर आपके पास में यहाँ जो आप ये नोट देख रहे हैं, ऐसे नोट मिल जाते हैं जो मोदी सरकार द्वारा बैन हुए थे, ऐसे आपके पास में 500 रुपए के नोट है, इसमें जो आप ये सीरियल नंबर देख रहे हैं सीरियल नंबर में फैंसी नंबर है, ऐसा आपके पास में नोट है, तो ये नोट भी आपको जो 3 लाख रुपए दिला सकता है। आपके पास में ऐसा सेम नोट होना चाहिए। बाकी इसके अलावा अगर आपके पास में कुछ स्टार वाले नोट मिल जाते हैं तो स्टार वाले नोट भी रेयर है। अगर आपके पास में कौन सा भी नोट का पूरा ऐसा गड्डी है और सीरियल नंबर के पहले स्टार बना हुआ होगा, अगर आपके पास में ऐसे चाहे ट्रैक्टर वाले नोट है, चाहे 1 रुपए वाले नोट हो गए, या फिर 2 रुपए वाले आपके पास में नोट मिल जाते हैं, या जो आप ये 1 रुपए का नोट देख रहे हैं, इसमें जो आप ये सीरियल नंबर देख रहे हैं सीरियल नंबर में, यहाँ पर जो आप ये सीरियल नंबर देख रहे हैं सीरियल नंबर में पहले अगर आपके पास में ऐसा स्टार बना हुआ है, इसमें यहाँ पर जो आप ये नंबर देख रहे हैं नंबर के पहले ऐसा स्टार का मिंट मार्क है, ऐसा आपके पास में सेम स्टार वाला अगर आपके पास में कौन सा भी नोट मिल जाता है, चाहे अगर आपके पास में 1 रुपए का नोट है, 2 रुपए का नोट है, 5 रुपए का नोट है, सीरियल नंबर के पहले स्टार बना हुआ है, तो इसकी वैल्यू आपको 1 लाख रुपए से लेकर है जो 5 लाख रुपए तक मिलेगी।
आपका नोट कौन सा है, उसमें कौन से गवर्नर के सिग्नेचर हैं, यह हमें आप पूरी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिसे हम आपसे है जो सिर्फ 24 घंटों के अंदर कॉन्टेक्ट कर लेंगे और आपके पास में जो नोट है वे आपसे बाय कर लेंगे, खरीद लेंगे। बाकी इसके अलावा अगर आपके पास में किसी भी प्रकार के और भी रेयर कॉइन्स मिल जाते हैं, या जो आप ये कॉइन्स देख रहे हैं ये कॉइन्स भी रेयर हैं, साथ में या जो आप ये इंदिरा गांधी जी वाला कॉइन्स देख रहे हैं ऐसे आपके पास में इंदिरा गांधी जी वाले कॉइन्स मिल जाते हैं, तो इसकी वैल्यू आपको 24,000 रुपये मिलेगी प्रति कॉइन के हिसाब से। 20 पैसे वाला ये कॉइन्स भी रेयर हैं, ऐसे आपके पास में 5 रुपीज़ वाले कॉइन्स मिल जाते हैं तो ये सिक्के भी यहाँ पर आप बेच सकते हैं। 5 रुपये वाले भी अलग अलग प्रकार के कॉइन्स हैं, अगर आपके पास में ऐसे कॉइन है। जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर वाला आपके पास में 1989 में जारी किया गया ऐसा कॉइन हुआ तो इसकी वैल्यू 75,000 रुपये मिलेगी। 20 पैसे वाला यहाँ जो आप ये कॉइन्स देख रहे हैं ये कॉइन्स रेयर हैं, आपके पास में 20 पैसे वाला ऐसा कॉइन मिल जाता है, यहाँ जो आप ये सिक्का देख रहे हैं ये कॉइन्स सबसे ज़्यादा रेयर है प्रेजेंट टाइम में। ये कॉइन्स अहमदाबाद वाले एग्जीबिशन में है, जो अगर आपके पास में ऐसा सेम 20 पैसे वाला कॉइन है, कमल की फोटो वाला, ऊपर ऐसा स्टार बना हुआ है, अहमदाबाद वाले एग्जीबिशन में इनकी वैल्यू आपको 2 लाख रुपये मिलेगी। आपके पास में ऐसा कॉइन है, इसमें यहाँ पर जो सन लिखा देख रहे हैं, सन के नीचे यहाँ पर आपको स्टार देखने को मिलेगा, सबके लिए अन है। फ्रंट साइड में आओगे तो 20 पैसे लिखा हुआ है, ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं अशोक स्तंभ की फोटो, ऊपर यहाँ पर आपको स्टार देखने को मिलेगा। ये कॉइन है तो इसकी वैल्यू आपको 2 लाख रुपये मिलेगी। अहमदाबाद वाले एग्जीबिशन में भी आप इसे बेच सकते हैं। घर बैठे बेचना चाहते हैं तो आप अलग अलग साइट्स हैं दोस्तों, नोट और सिक्के बेचने का आसान और सही तरीका है, आप घर बैठे ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो आप ईबे साइट्स पर सेल कर सकते हैं। इनके अलावा ओएलएक्स साइट्स हैं, यहाँ पर आपके पास में जो करेंसी है उनकी वहाँ पर आपको पोस्ट करनी होगी। पोस्ट करने के बाद आपको वहाँ पर प्राइस भी डाल देनी है कि आप इन्हें कितने में सेल करना चाहते हैं। वहां से जो भी आप लोगों से कांटेक्ट करके ये नोट और सिक्के खरीदेगा किसी भी प्रकार का कोई फीस नहीं लेगा। ध्यान रखना है आपको फ्रॉड लोगों से बचना है। अगर आप अपने नोट और सिक्के बेचने के लिए किसी को फीस दोगे, रजिस्ट्रेशन शुल्क दोगे, एडवांस में पैसा दोगे तो उसमें हमारे इस चैनल की कोई गारंटी नहीं है। हम दोस्तों किसी भी प्रकार का नोट और सिक्के खरीदने के लिए कभी भी चार्ज नहीं लेते हैं। बिना फीस अगर आप नोट और सिक्के बेचना चाहते हैं तो आप एक बार हमारे से जरूर संपर्क करना। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है, जो नंबर दिए हैं, एड्रेस बताया है। अगर आप एग्जीबिशन में बेचना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो अलग अलग साइट्स बताइए, वहां पर आप सेल कर सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे रखी है। वीडियो आप पूरा ध्यान से देखें, शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखेंगे वीडियो को तो आप आसानी से अपने नोट और सिक्के बेच पाएंगे।